मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बेखौफ बदमाश सीरियल एक के बाद एक तीन लूट का प्रयास किया। बाइक सवार बदमाशों द्वारा पर्स छीनने के वक्त संघर्ष करने के दौरान दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जहां एक महिला एडवोकेट और स्कूल शिक्षिका है और एक अन्य महिला को बनाया निशाना। पहला मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपान्या इलाके का है, जहां रिटायर्ड जज की एडवोकेट बहू आराधना सिंह घर से बच्चों को लेने के लिए एक्टिवा पर सवार होकर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से अचानक आए बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया। घटना के दौरान महिला सड़क पर गिर गई, जिससे एडवोकेट महिला बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गई है। तत्काल महिला को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को 3 फ्रैक्चर बताए गए हैं। वहीं दूसरी घटना MIG थाना क्षेत्र के अनुपनगर एक्सटेंशन में रहने वाली स्कूल शिक्षिका किरण देसाई स्कूल से बस से उतर रही थी, अपने घर की ओर जा रही थी, तभी एक्टिवा सवार बदमाशों ने अचानक पीछे से आए और महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया। महिला बदमाशों से संघर्ष करने के दौरान बुरी तरह गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें नकाबपोश बदमाश घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। तीसरी घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के SGSTIS कॉलेज के सामने की है, जहां अपनी भाभी के साथ घर जा रही एक्टिवा सवार महिला मनीषा गुप्ता को भी बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। महिला के गले में टंगा पर्स अचानक बाइक सवार बदमाश छीन कर फरार हो गए। महिला के पर्स में 6,000 और जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। एक और शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर बदमाश अब पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इन घटनाओं की जानकारी के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दूसरी ओर इन घटनाओं ने एक बार फिर शहर में बदमाशों का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं दोनों ही घायल महिलाओं का उपचार जारी है। सर, एक महिला घायल हुई है, एक युवा से ये बताया जा रहा है कि उसका पर्स वगैरह छीना गया है। इसमें बॉम्बे हॉस्पिटल से सूचना आई थी लसूड़िया थाने में कि एक महिला जो है घायल अवस्था में आई है, और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि छीना झपटी की घटना हुई है। उस पर से यहाँ पे जो है रोजनामचे में उसका सानहा दर्ज किया गया, और तुरंत जो है मौके पे हमारी टीम जो है पहुँच गई और उनसे जो है बातचीत की। जहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ के पूरे आसपास के CCTV फुटेज उसमें तलाशे जा रहे हैं, और आगे जो चौराहे तक के तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के दोनों साइड के एरिया हम लोग उसमें तलाश रहे हैं, और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो महिला उसमें घायल हैं वो पेशे से जो है वकील बताई जा रही हैं, और उनकी उम्र करीब 40 साल के करीब में है। नहीं, अभी इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से जो अभी हमारा फोकस ये है कि ये हम देख लें कि जहाँ से वो महिला आ रही है उनके पीछे में क्या कोई गाड़ी पीछा कर रही थी, या कि आगे कोई गाड़ी इस तरह की निकली है जो कि सस्पिशियस लग रही है, और इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, एक महिला के साथ पर्स छीनने का प्रयास किया गया और उसमें महिला इंजर्ड भी हुई। आज एक वारदात अनूपनगर क्षेत्र में थाना MIG क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जिसमें अभी पता चला है कि एक महिला जो कि बताया जाने की स्कूल टीचर है, स्कूल बस जब उनको छोड़ के गई और वहाँ से निकल के अपने घर तरफ अनूपनगर में जा रही थी, तब उनके साथ में कुछ दो एक एक्टिवा सवार या एक मोपेट कोई एक्टिवा जैसी है उसमें उनके साथ में छीनने का प्रयास किया गया, जिसके चलते महिला काफ़ी इंजर्ड हुई हैं। अभी मामले की हमने जांच में ले लिया है, और हम आरोपी के पहचान CCTV फुटेज व अन्य पूछताछ के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसी घटना और भी अन्य थाना क्षेत्र में भी देखी गई, अभी सेम वो घटनाएं दोनों हो सकती है? पॉसिबिलिटी है, अभी पता चला है कि लसूड़िया में भी इसी प्रकार की घटना हुई है, हम जांच कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, हो सकता है कि दोनों वारदात कहीं ना कहीं लिंक्ड हो,
और आरोपी शायद सेम ही है, तो हम पता लगा रहे हैं। जैसा हम लग जरूरत पड़ी तो विजयनगर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके हम जो भी तथ्य आएंगे आपके सामने रखेंगे। सर, वाले सेट पे क्या सूचना दी गई, अलर्ट किया गया है? बिल्कुल, सबको जो होलिया हमको बताया गया उसके संबंध में वहाँ पर हमने सूचित कर दिया गया है। अन्य थानों को भी अलर्ट कराया गया, फोटोज़ जो हमें मिले हैं वो शेयर किए जा रहे हैं अन्य थाने ग्रुप, अन्य थानों में और हमारे जो इंदौर पुलिस ग्रुप हैं उसमें, और जितनी जल्दी हो हम इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो उन आरोपी को पकड़ लें।